गोंडा जिला अधिकारी ने किया जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल में बने सभी वार्डों का जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने किया निरीक्षण। डॉक्टरों की समस्या भी समझने की कोशिश की। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कि मरीजों को कोई दिक्कत परेशानियां न हो, जिला अस्पताल आने वाले मरीजों का इलाज बेहतरीन से बेहतरीन किया जा सके। मेरी रिपोर्ट हामिद अली। रश वाला नहीं, ये नॉर्मल कोर्स में दिखाया जाता है कि आप पहले सीएससी से क्यों नहीं रेफर कराए, यहाँ से क्यों नहीं कराया, ये चीज नहीं चलेगा। ये होगा तो मेडिकल दिक्कत होगी। पहले आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, उसका नहीं रोकने क्या क्योंकि आईबीसी निरीक्षण किया गया है, कोई कमियां पाई गई है, कैसा निरीक्षण था? हाँ, जिला अस्पताल का आज औचक निरीक्षण किया गया है। हम लोग वन स्टॉप सेंटर जिला अस्पताल, टीबी सेंटर और आयुष विभाग का जो हॉस्पिटल है उसको देख रहे थे। इसमें ओपीडी में जहाँ जहाँ ओपीडी हो रही है, जहाँ पर्चा कट रहा है, इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है उसके बारे में आज चर्चा की गई है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत हमें है वो हमारे स्पेशल डॉक्टर्स हमारे टाइमली अटेंड करें पेशेंट्स को, इमरजेंसी में कैसे सुविधाएं हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी हॉस्पिटल की और चीज़ें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। इसकी ओपीडी के बारे में ये है कि हम लोग बार बार इसका निरीक्षण करते रहेंगे। आज एक प्राथमिक हम लोगों ने देखा है कि इनकी क्या कमियाँ हैं, पहले ये हम देख लें इनकी क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में हम लोग आज ये जानने के लिए आए हैं। इसके बाद जब ये चीज़ें सुधरेंगी फिर हम लोग औचक निरीक्षण कर करके इसको और चीज़ें वो लागू हो पाई है कि नहीं हो पाई है उसके बारे में हम लोग बार बार निरीक्षण करेंगे। जो हमारी SIC है उनको निरीक्षित किया गया है कि जो कमियाँ छोटी मोटी हैं उसको अच्छे से सुधारें। मेन जो उद्देश्य है हमारा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कल आए थे, उन्होंने बताया था कि पेशेंट्स को दिक्कत ना होने पाए उसकी व्यवस्था को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में मेन इनको निर्देशित। सर, यहाँ एक होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी वो कभी अपने चैम्बर में बैठती नहीं, वो यहाँ CMS से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो हमारे अंडर में नहीं है। अभी और सीधे